पतंजलि योगपीठ ने कोरोना की दवा लॉन्च की है। कोरोनिल अब दवा सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने कहा है कि पतंजलि को खांसी जुकाम की दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था और रामदेव ने कोरोना की दवा बना दी। नव भारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अथॉरिटी के उपनिदेशक यतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। बकौल रावत उन्हें मीडिया से पता चला कि पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा किसी दवा का दावा किया जा रहा है। रावत ने भारत सरकार के निर्देश का हवाला दिया, कहा कि कोई भी कोरोना के नाम पर दवा बनाकर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आयुष मंत्रालय से वैधता मिलने के बाद ही ऐसा करने की अनुमति होगी। फिलहाल अथॉरिटी ने पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 10 जून को पतंजलि ने ये दो तीन प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और काश और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया तीन दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। और इधर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी चीजों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही कहा है कि बिना आयुष मंत्रालय की रजामंदी के दवा का प्रचार या बिक्री शुरू नहीं कर सकते हैं। ये सारा कुछ रामदेव और बालकृष्ण द्वारा कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च करने के 24 घंटे के अंदर का घटनाक्रम है। इस दवा के ट्रायल से जुड़े NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर के डायरेक्टर अनुराग तोमर ने भी ये कहा कि इस दवा को बनाने के लिए सभी क्लियरेंस ले लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना था। लेकिन चल रहा है हल्ला, तो रामदेव और उनकी जो कंपनी है वो जो भी दावा करे कि ये जो दवाई है ये कोरोना का इलाज कर सकती है, पर मंत्रालय ने अभी फिलहाल खुद को इस पूरे मुद्दे से दूर कर रखा है और पतंजलि से पूरा ब्यौरा मांगा है, सारी डिटेल्स मांगी है। और उसके आगे जब एक बार सब कुछ सारी चीजों का जायजा ले लिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे जो मंत्रालय है उसका क्या फैसला होगा। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।